कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत को लेकर दिए गए बयान के बाद चर्चाओं के साथ अब झूठी खबरों का भी दौर शुरू हो गया है। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत की भूमिका होने की आशंका जताई थी। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इस बयान के बाद राष्ट्रपति भवन से सिख सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रकाश कुमार भिल नामक की प्रोफाइल से एक पोस्ट शेयर की जा रही है। पोस्ट के अनुसार सिख नेता हरदीप सिंह की हत्या में भारत सरकार की भूमिका को लेकर कैनेडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिए गए भाषण और सिख समुदाय में बढ़ती नाराजगी के बाद भारत में राष्ट्रपति भवन में तैनात सिख सुरक्षा कर्मियों को बदल दिया गया है। दरअसल पोस्ट में दावा किया गया है कि साथ ही भारतीय सेना सिख सैनिकों को घर जाने के लिए छुट्टी देने से इनकार कर रही है। उन्हें डर है कि मोदी अगले इंदिरा हो सकते हैं। दरअसल भारतीय सेना की ओर से इस दावे को गलत बताया गया है। एक्स पर पोस्ट के मुताबिक दुश्मन एजेंट्स की तरफ से सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के सैनिकों के खिलाफ झूठी खबरें और नफरत फैलाई जा रही है। ऐसी फर्जी खबरों से खुद को सुरक्षित रखें। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट के चेक की ओर से भी इस दावे का खंडन किया गया है। दरअसल PIB ने कहा कि ये दावा फर्जी और तनाव पैदा करने के इरादे से साझा किया गया है और ऐसे कोई भी फैसले नहीं लिए गए हैं। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट के चेक की ओर से इस पर दावे का खंडन किया गया है। PIB ने कहा कि ये दावे फर्जी और तनाव पैदा करने के इरादे से साझा किए गए हैं और ऐसे कोई भी फैसले नहीं लिए गए हैं।